जी है भवन का है, ज्ञान ऐसा है जिसमें समाज का कानून भी बना रहे, ईश्वर का कानून भी बना रहे और गवर्नमेंट का कानून भी बना रहे है। माने जो भी कायदे कानून बने हुए हैं वो सारे कायदे कानून हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं या हमारे नुकसान के लिए बने हैं? सुरक्षा के। समाज का कायदा कानून है तो उसको भी फॉलो करना है। समाज अलग है और सरकार अलग है। समाज का ढांचा भले युग के अनुसार गिर चुका है, सरकार का ढांचा भी गिर चुका है, लेकिन जो भी नियम कानून बन रहे हैं वो सब हमारे अनुकूल बन रहे हैं। हमारे ज्ञान के बरखिलाफ नहीं है। हाँ, कुछ एक बातें हैं जो हमें ज्ञान में मान्य नहीं है, जैसे शादी है। ज्ञान में शादी बर्बादी बताई। कोई ढोल मजीरा बजाना शादी नहीं होती है, जो समाज में मान्य है। बाबा ने शादी की परिभाषा ज्ञान के अनुसार अलग दी है। क्या दी है? विकार में जाना माना शादी। तो ठीक बात है। इंद्रियों की विकृति में जाना अच्छी बात नहीं है। वृत्ति विकृति में जाने से ही शक्ति छीन होती है। हमें तो कंट्रोल करना सिखाया है गीता ने। गीता समाज का शास्त्र है यह सरकार का शास्त्र है? समाज का शास्त्र है। तो जो गीता कहती है वही समाज कहता है। इतना ही सुनना है जितनी धारणा हो सके। अंदर नहीं पढ़ते हैं वो है आपके पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो जलाने की दुर्गंध ही छोड़ेंगे। रोज मुरली में आता है अपन को आत्मा समझो, तो इतना धारण कर लिया है। अच्छा, कोई एक है जिसने इतना धारण कर लिया कि हम आत्मा हैं? और इसमें पूछा क्या आगे? दूसरी तरफ कहा जो पूरा नहीं पढ़ते हैं वो है आपके। हाँ, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे ठीक है, जिंदा ही कराएंगे। पढ़ाई पूरी पढ़ना चाहिए। आह्वान करने के लिए बोला है ना, विजय माला का आह्वान करो। हाँ जी, आह्वान में और याद में और योगदान में, जैसे योगदान दो जगदम्बा को कहाँ है तो माउंट आबू में जाते हैं और आह्वान करते हैं। तो किसका आह्वान करते हैं? ब्रह्मा बाबा का आह्वान करते हैं। लेकिन याद किसको करते हैं? याद शिव बाबा को करते हैं। भले वो निराकार को याद करते हैं, लेकिन जिसको याद करते हैं वो अलग है
और जिसको आवाहन करते हैं वो अलग है, ऐसे यहाँ भी है। याद तो शिव बाबा को करना है, शिव बाबा की शक्ति से ही हम आकर्षित करेंगे। लेकिन शिव बाबा का आवाहन करने की बात नहीं है, शिव बाबा तो आ चुका या आके चला गया। बीके वाले समझते होंगे कि आके चला गया, लेकिन हम तो ऐसा नहीं समझते। बाकी आवाहन किसका करना है जो नहीं आया है? अभी तक कौन नहीं आया है? हैं? विजयमाला आए तो काम बन जाए, क्योंकि पेयल्टी की पावर से ही सब कुछ होना है। और याद करके तो आवाहन किया जाता है ना? अरे याद की शक्ति से ही आवाहन करेंगे, याद नहीं होगी तो आवाहन होगा ही नहीं। याद नहीं करना कहते हैं ना? है? याद नहीं करना सिर्फ आवाहन करना है। याद नहीं करना है, ये किसने कहा कि याद नहीं करना है? ऐसा तो कहीं बोला नहीं गया। ऐसे कहा है ना, लक्ष्मी को याद नहीं करना है। आवाहन करना है जिस आत्मा को, वो अलग आत्मा है, और आवाहन करना है वो किसकी शक्ति से आवाहन करना? हमारे में इतनी शक्ति है, याद की शक्ति से आवाहन करना है। और ज्वालामुखी योग का अर्थ क्या? ज्वालामुखी योग का अर्थ है कि याद की ज्वाला अग्नि तीव्र बनी रहे। जैसे सोना आग में डालते हैं तो अगर अग्नि धीमी है तो सोना तपेगा नहीं, सोना निखरेगा नहीं, सोना पवित्र नहीं बनेगा, सोना पिघलेगा ही नहीं जो उसमें से खाद अलग हो जाए। ज्वाला रूप बनेंगे तो हमारी आत्मा पवित्र बनेगी। और बाबा, राम ही रावण बनते हैं, कृष्ण ही कंस बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं? जब आत्मा तमो प्रधान बनती है तो बनती है। पावरफुल आत्माएं दुनिया की कौन है? दुनिया में सबसे जास्ती पावरफुल आत्माएं कौन सी हैं? राम और कृष्ण, हीरो हीरोइन। तो जो पावरफुल है वो सत्व प्रधानता की स्टेज में भी पावरफुल बनती है, सत्व सामान्य स्टेज में भी पावरफुल बनती है, रजो प्रधानता की स्टेज में भी दुनिया की सबसे पावरफुल रजो प्रधान आत्माएं बनती है, और तमो प्रधानता की स्टेज में भी सबसे ज्यादा तमो प्रधान पावरफुल आत्माएं बनती है। इस अर्थ में कहा है। और पतित पावन गंगा का बेहद में क्या अर्थ है? पतित पावन गंगा का बेहद में अर्थ है, भक्ति मार्ग में कहते हैं गंगा पतित पावनी। वो तो बेचारे जानते नहीं है, लेकिन हम तो जानते हैं कि शिव बाप तो पुरुष तन का आधार लेते हैं। पुरुष तन जो है वो सब दुर्योधन दुशासन की स्टेज वाले हैं। वो वाणी चल सकती है शिव की, लेकिन पतितों से पावन कोई नहीं बनेगा। बनेंगे कब? जब वही वाणी कन्याओं माताओं के द्वारा सुनाई जाए तो उसका असर होगा। तो कन्या निकलती है, कन्याओं का ग्रुप निकलता है उत्तर भारत से, जो सन्यासियों का ग्रुप है। इसलिए बताया जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। किस बात में विजय हो जाएगी? विजयमाला भी आ जाएगी।
ये पावरफुल योग की निशानी है। रुद्रमाला में ही वो कन्याएं छिपी पड़ी है, जिनके मुख से जब आवाज निकलेगा ज्ञान का तो बड़े बड़े मंडलेश्वर निकल पड़ेंगे। और बाबा भक्ति मार्ग में दूध दही औचक का है, दूध दही अच्छे से लिंग पर चढ़ाते हैं हाँ। और शनिदेव का तेल क्यों चढ़ाते हैं, उसका बेहद में क्या अर्थ है? शनिदेव ने मिक्स याद की होगी, शुद्ध याद नहीं की होगी। और शिव जिस तन में प्रवेश करते हैं, जिसकी यादगार लिंग बनता है, उसने अभिविचारी शुद्ध याद की होगी। तो तेल ज्यादा शुद्ध होता है या घी दूध है? ये ज्यादा शुद्ध होता है, घी दूध ज्यादा शुद्ध होता है। तेल को शुद्ध नहीं माना जाता है, इसलिए तेल को परिष्कृत करते हैं आज की दुनिया में। कैसा तेल बनाते हैं? रिफाइंड तेल बनाते हैं, माने तेल अनरिफाइंड होता है, मिक्स होता है। और बाबा नारायण को याद करना सबसे सहज है, लेकिन शिव बाबा शंकर वाली शंकर और जो नारायण पर्सनालिटी तो एक ही है। पर्सनालिटी एक कैसे है? नारायण है सतो प्रधान, नारायण क्या है? सतो प्रधान। नारायण शिव को याद करता है या स्वयं विष्णु स्वरूप है, लक्ष्य को पाया हुआ है? नारायण लक्ष्य को प्राप्त किया हुआ है। और शंकर, शंकर पुरुषार्थी है, याद करता है या याद की प्रारब्ध को पाया हुआ है? याद करता है तो अंतर पड़ जाता है। और ऊंचे ऊंच कहा जाता है अलग, और दे कहा जाता है सारी रचना को, ऐसा नहीं कि दे माया को कहा जाता है। बाप स्वर्ग की वास्ता ही देते हैं, माया को नहीं रखते हैं। बाप स्वर्ग की वास्ता ही देते हैं, माया को नहीं रखते हैं। लेकिन हम ही रचते हैं, माया की रचना भी हम ही करते हैं। मकड़ी खुद जाला बुनती है या जाला कोई दूसरा बुनता है? हैं? खुद जाला बुनती है और खुद ही जाले को हप करती है। तो हम ही माया को रचते हैं और हम ही माया को खलाश कर देते हैं। अज्ञानता में हम ही माया को रचते हैं, फिर जब ज्ञान मिलता है तो माया को हम ही खलास कर देते हैं। और बाप की बेटी के साथ बाप साकार है या निराकार है जिसकी बेटी है? और जैसे कहा जाता है बैल पर फलर सवारी नहीं की जाती है, लेकिन अभी भी वार्तालाप में आया कि टेम्परेरी रथ जो था है? टेम्परेरी जो रथ था उसमें हवाई पर सवारी नहीं होती थी, बाकी समय जो नहीं होती थी सवारी तो परम धाम चला जाती थी ऐसा। तो लेकिन संगम उस पर तो कहते हैं कि जब एक बार आ गया तो साथ लेके जाएगा ना बच्चों को, बीच में उस समय कैसे चले जाते? उस बाप की बात है, वो बाप बैल पर सवार होता है, जानवर में आता है। अभी तक यही ज्ञान लिया तुमने? शिव बाप जो है वो जानवर में आता है, बैल में आता है, बैल पे सवारी करता है या मनुष्य तन में आता है? फिर बैल पर सवारी शंकर की है न कि शिव की है? हाँ, शिव आता है कहे पर, मनुष्य तन में आता है, वो मनन चिंतन मंथन करता है। बैल कोई मनन चिंतन मंथन नहीं करता है। बताया है मुकर्रर रथ की बात है, आता है
काम संपन्न करने के लिए, तो काम संपन्न करने के लिए मुकर्रर अर्थ काम में आता है या टेम्पररी अर्थ काम में आता है? हाँ, वेरीफाई किया है कि टेम्पररी अर्थ में सवारी सदैव नहीं होती, मुकर्रर अर्थ पर होती। मुकर्रर रथ पर सवारी होती है, लेकिन मुकर्रर रथ पर सवारी शिव करता है, शंकर नहीं। बैल की सवारी की बात नहीं है, बैल की सवारी की बात जहाँ आती है वहाँ शंकर के लिए कहा गया है। शिव शंकर पर सवारी करता है और शंकर बैल पर सवारी करता है। दादा, किसी ने पूछा हाँ टेम्पररी था पहले ब्रह्मा, तो उसको समझाओ। जिसने पूछा है उसको समझाओ कि शिव कोई जानवर में नहीं आता है, शिव तो मनुष्य तन में आता है, तो भक्ति मार्ग में लिख दिया है कि कुत्ते बिल्ली में प्रवेश करता है, सर्वव्यापी है, जानवरों में आता है, लेकिन नहीं, शिव तो मनुष्यों को समझाने आता है, मनुष्यों को मनुष्य से देवता बनाता है। बैल में कैसे आवेगा? और बाबा जो ब्रह्मा कुमार होते हैं उनसे पूछते क्वेश्चन, तो बोलते हैं प्रश्न की तरह होना है, प्रसन्न जित होना है। हाँ। भी क्वेश्चन में ही आंसर देते हैं, तो प्रश्न इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको प्रश्न पैदा हो रहा है, हम तो प्रश्न का समाधान करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। प्रसन्न चित्त वो है जिनको प्रश्न का समाधान मालूम है। आपको समाधान मालूम है या नहीं मालूम है? मालूम है तो आप प्रसन्नचित्त हैं या प्रश्नचित्त हैं? लेकिन बाबा बीके बोलते कि हमें प्रसन्नचित्त नहीं होना। उनको नहीं होना है तो वो जाने। जिनको होना है उनको सुनाओ, जिनको सुनने की तमन्ना नहीं है उनके पीछे क्यों पड़ना? जानवर ज्ञान सुनेगा क्या है? कौन सुनेगा? मनुष्य सुनेंगे तो मनुष्य को सुना। और बिल्कुल तो छूट रहा है ना उनका। विजयमाला ब्रह्मा को आवाहन थोड़ा ही करती है, ब्रह्मा को याद थोड़ा ही करती है, विजयमाला तो याद करती है शिव को। हैं? एडवांस का ज्ञान भी नहीं लिया छोटी मम्मी ने। एडवांस का ज्ञान नहीं लिया, एडवांस का जिन्होंने ज्ञान लिया वो साकार में निराकार को याद करेंगे, जिंदा में याद करेंगे या मरे हुए में याद करेंगे? हैं? जिन्होंने एडवांस में ज्ञान लिया है वो साकार चैतन्य में शिव को याद करते हैं या मुर्दे में याद करते हैं? चैतन्य में। और वो अगर साकार समझते भी हैं तो उनका साकार मुर्दा है या चैतन्य जिंदा है? मुर्दा है, वो तो भक्ति मार्ग हो गया। जैसे भक्ति मार्ग में याद करते हैं तो वो जड़ चित्र है, मूर्ति है या कोई चैतन्य है? जड़ चित्र है। उनका तो है भक्ति मार्ग और हमारा है ज्ञान मार्ग। एडवांस में से निकलना चाहिए तो कोई आगे निकलता है, कोई पीछे निकलता है। किसी को ज्ञान की दरकार नहीं है क्योंकि जन्म जन्मांतर का कपड़ा विकृत नहीं है, जन्म जन्मांतर उसने पवित्रता का पालन किया है। तो जिन्होंने जन्म जन्मांतर पवित्रता को पालन किया है उन्हें ज्ञान की दरकार है, या जन्म जन्मांतर जो अपवित्र होते रहे हैं राजाएं आत्माएं उनको ज्ञान की दरकार है? जो जन्म जन्मांतर राजा बन करके अपवित्र बने हैं उनको ज्ञान की दरकार है? उनका ज्ञान जब संपन्न स्टेज को पहुंच जाए तब लास्ट में भी वो अगर आएंगे जो जन्म जन्मांतर पवित्र रहे हैं तो उनको लास्ट सो फास्ट जाने का वरदान मिला हुआ है।
और बाप कहते हैं जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र हो उनको तुम्हें याद नहीं करना। बिल्कुल, साकारी को याद करना है। साकारी अज्ञानी है या ज्ञानी है? जो भी साकारी है चाहे वो प्रजापिता ही क्यों ना हो, वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? अज्ञानी है। निराकारी, निराकार माने बिंदु। अगर बिंदु को याद करेंगे सिर्फ है, तो धर्म पिताएं किसको याद करते हैं, उनके फॉलोअर्स किसको याद करते हैं? बिंदु को याद करते हैं। निराकार को याद करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है? वो स्वर्ग में जाते हैं? नहीं जाते, क्योंकि स्वर्ग की रचना तो निराकार इस सृष्टि पर आकर साकार के द्वारा करते हैं। और बाबा हम जानबूझकर किसी की हत्या नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जी हम जानबूझकर किसी की हत्या नहीं करते हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने हमसे वो मर जाता है तो क्या उसका रोज भी हम पर रहेगा, जैसे चींटी या मच्छर या जो भी हो जीव जंतु? हत्या हत्या में भी अंतर है। चींटी है, मच्छर है, मक्खी है, जो हमको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और उनको हम जानबूझ करके भी हत्या करते हैं, तो हम किसकी सुरक्षा के लिए करते हैं? मनुष्य की सुरक्षा के लिए करते हैं। मनुष्य का जिंदा रहना जरूरी है या मक्खी मच्छर का जिंदा रहना जरूरी है? मनुष्य का जिंदा रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि मनुष्य भगवान को पहचान सकता है, मक्खी मच्छर भगवान को नहीं पहचानेगा, इसलिए वैल्यू देखी जाती है। अरे हमने ज्यादा बड़े की सुरक्षा की या छोटे की सुरक्षा की, तो हमारा पुण्य ज्यादा बना या पाप ज्यादा बना? पुण्य ज्यादा बन गया। और बाबा क्या अष्टदेव के सारे पद फिक्स हो चुके हैं? नहीं तो अष्टदेव तो तब सारे प्रत्यक्ष कहे जाएंगे जब विजयमाला में आठों ही युगलमण के प्रत्यक्ष हो जाएं। जो विजयमाला है वो युगलों की माला है या सिंगल की माला है? युगलों की माला है। अभी तो विजयमाला की बनने की भी शुरुआत नहीं है। तो बाबा अभी जो नए आ रहे हैं वो लोग भी अष्टदेव आ सकते हैं? है। सही डालते हैं तो बड़े ऑफिसर मिंटो करने हैं। मिंटो करने माने आगे पीछे वाक्य क्या है? सही डालता पर दूसरा है। बड़े ऑफिसर मिलते हैं मिंटो करने। आगे पीछे और क्या है? वाह भाई, हाँ और आगे बाबा। हाँ। माया जब तक स्प्लेंडर नहीं होती तब तक पूरा स्प्लेंडर कोई नहीं है। हाँ। तो क्या बाबा जो दूसरा मन का भी योगिनी वहाँ प्रत्यक्ष हुई है? हाँ। वो भी पूरी स्प्लेंडर नहीं? बिल्कुल नहीं। अभी फाइनल परीक्षा हो गई, जब फाइनल परीक्षा ही नहीं हुई तो कैसे कहा जाए कि कौन फुल सरेंडर है कौन सरेंडर नहीं है? अभी तो फाइनल परीक्षा होनी बाकी है। माया किसी को जल्दी नहीं छोड़ेगी, वो अष्टदेवों को भी छोड़ देती है क्या? है नहीं छोड़ती। दूसरे नंबर वाले को छोड़ देगी क्या? है उसको भी नहीं छोड़ेगी।
मूल टक्कर है बाप की और माया की। और बाबा जो मौत की सजा सुनाते हैं वो गुनहगार है या जो जल्लाद फांसी पर लगाता है वो गुनहगार? जो इंस्पिरेट करता है वो गुनहगार है या जो इंस्पिरेट होता है वो गुनहगार है? ज्यादा बुद्धि किसमें है? जो इंस्पिरेट करता है उसमें ज्यादा बुद्धि है। तो बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो अगर पाप करता है तो ज्यादा पाप उसी का बनता है। इसलिए गीता में भी लिखा है कृष्ण वर्ण विचालित, जो ज्ञानी है वो अज्ञानियों को विचलित न करे, उनकी बुद्धि को उल्टा न घुमाए, सही रास्ते पर चलाए। जज तो ड्यूटी कर रहा है ना? हाँ ड्यूटी कर रहा है, सो क्या हुआ? उसने गलत क्या किया? तो उसने तो गलत, उसके ऊपर तो पाप नहीं चढ़ता है ना? क्यों पाप चढ़ेगा जब उसने सही सही न्याय किया है? जल्लाते भी नहीं पड़ेगा, उस पे भी नहीं पड़ेगा पाप। अगर गलत न्याय कर दिया तो उनका मतलब सही न्याय के लिए नहीं, गलत न्याय किया न्यायाधीश ने तब की बात है। और बाबा अभी साधारण याद स्वरूप में है इसलिए कभी भी परिस्थितियों के वश धोखा मिल जाएगा, शक्तिशाली याद की भक्ति में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सेवा के झंझट से भी परे हो जाएंगे। सही बात है, याद में हमारी सेवा स्वतः ही समाई हुई है। जितना जितना हम गहरी याद में रहेंगे, वायुमंडल अच्छा बनाते रहेंगे तो सबसे तीखी सेवा तो वो ही हो जाती है, कि उस वायुमंडल के प्रभाव में जो भी आएगा वो पावरफुल बन जाएगा। और ब्रह्मा जरूर चाहिए तो पर ब्रह्मा भी चाहिए है? मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए। हाँ पर ब्रह्मा भी चाहिए। पर ब्रह्मा नहीं, परम ब्रह्म। परम ब्रह्म में है प्रजापिता, मध्योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दजाम्यहम्। ये गीता का श्लोक है। मैं ज्ञान का बीज किसमें डालता हूँ? मध्योनि ही मेरी योनि परम ब्रह्म है, तस्मिन् उसमें गर्भम ददाम्यहम् मैं ज्ञान का गर्भ डालता हूँ। कौन बोल रहा है? शिव बोला। उसकी योनि कौन है जिसमें ज्ञान का बीज डालता है? प्रजापिता, वो ही परम ब्रह्म हो गया। गाते भी हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। तो कौन है परम ब्रह्म? परम ब्रह्म कोई निराकार परम धाम की बात थोड़े ही है। गुरु साकार होता है या निराकार होता है? गुरु तो साकार होता है, गुरु तो दलाल है। तो परम ब्रह्म है प्रजापिता। और बाबा है अब पांच विकारों को नष्ट नहीं करना है, परिवर्तन करना है। बिल्कुल। कैसे होगा? मैंने काम विकार है उसको प्यार में परिवर्तन करो, ये शुद्ध प्यार नहीं है, दैहिक इंद्रियों का प्यार। आंख का जो प्यार है वो दैहिक प्यार है या देह से परे है? है? दैहिक प्यार है। वो राधा कृष्ण का जो प्यार होगा वो दैहिक प्यार होगा दृष्टि का या देह से परे का होगा? है? देह से परे का है। देह का प्यार है, आंखें भी देह का अंग है, उससे भी परे का प्यार चाहिए। आंखों से देखें या न देखें,
लेकिन वाइब्रेशन से प्यार बना रहे, भावना बनी रहे प्यार की, वो न टूटे। संगमयुगी राधा कृष्ण और सतयुगी राधा कृष्ण की बात है। संगमयुगी राधा कृष्ण ऊंचा प्यार है, जो लक्ष्मी नारायण बन करके एक दूसरे को देखने की भी दरकार नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या, वो दैहिक प्यार है या देह से परे का प्यार है? देह से परे का प्यार है। बाबा, जितना जो स्वयं सरल होंगी उतना याद भी सरल रहती है। बिल्कुल सरलता माने हर बात में सरल, कठिनाई से समझने योग्य नहीं। कोई का चाल चलन व्यवहार बातचीत तांत की होती है, टांट मार करके बोलेंगे, सीधी सीधी बात नहीं बोलेंगे, तो उनको सरल कहेंगे या टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला कहेंगे? टेढ़ा, टेढ़ी चाल। और हाँ बोलो। अरे जो ज्ञान से पैदा होते हैं वो वॉइसलेस हैं, वो ज्ञान से पैदा नहीं होते हैं, ज्ञान की बातों में ध्यान नहीं देते हैं, मोहड़े को देखते रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी का मोहड़ा देखेंगे, ब्रह्मा का मोहड़ा देखेंगे तो उनको क्या कहेंगे? विखे की पैदाइश है या ब्रह्मा मुख की पैदाइश है? मुख की पैदाइश वो है जो मुख का ज्ञान सुन करके पैदा होते हैं। ज्ञान किसका दिया हुआ है? शिव का दिया हुआ है, तो वो निर्विष है। शिव निर्विष, तो शिव का ज्ञान भी निर्विष, जो लेने वाला है वो भी निर्विष। और जो मोहड़े को देखते हैं, चाहे वो ब्रह्मा का मोहड़ा हो, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी का मोहड़ा हो, चाहे वो ब्रह्मा कुमार का मोहड़ा हो, देह को देख करके जो पैदा होते हैं, देह के आधार पर आकर्षित होते हैं, वो स्नेह से पैदा हुए या ज्ञान से पैदा हुए है? स्नेह से। वो दैहिक स्नेह है या आत्मिक स्नेह है? दैहिक स्नेह है, इसलिए विकी की औलाद अभी भी पैदा हो रहे हैं। बेसिक में भी ऐसी पैदाइश हो रही है, एडवांस में भी ऐसी पैदाइश हो रही है। जो द्वेह की पैदाइश से हो रही है एडवांस में, वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले के बीज हैं, और धर्मों के बीज हैं, देवी देवता सनातन धर्म के पक्के बीज नहीं है, राक्षसी बीज है। आत्मा के 84 जन्मों के शरीरों का कब और कैसे पता? जितना बीज रूप स्टेज धारण करेंगे, जितनी याद करेंगे गहराई से, उतना आत्मा विस्तार को भी स्वतः ही प्राप्त करेगी। बाबा हाँ, पाप का बहुत ध्यान है, अभी तो बता दिया। जो ज्ञान से पैदा होते हैं वो सगे हैं, जो ज्ञान से पैदा नहीं होते हैं, देहभान से पैदा होते हैं, वो लगे हैं। लगाव पूर्वक पैदा हुए तो लगे। बाबा की याद में तो बच्चों को धमकियां मारनी चाहिए। फकीर लोग कितना खरगा मारते हैं, खरगा मारना चाहिए। खरगा खगिया माने वो फकीर लोग होते हैं, डंडा उठा के यू 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 करते रहते हैं, वो खगिया हो गई।
हेलो बोलो क्या कह रहे कगिया मार रहे बाबा ये जो अष्टदेव हैं ये इनके पूर्वज हैं ना सब धर्मों के हाँ जी तो उनके पूरे क्वालिटीज उनमें होते हैं ना है? पूरी क्वालिटीज उनमें होती है जैसे पूरी क्वालिटीज नहीं होती है जो पूर्वज हैं उनकी मूल थोड़ी सी कुछ न कुछ क्वालिटी सात्विकता उन धर्म पिताओं में रहती है इसलिए हर धर्म में कुछ न कुछ सच्चाई रहती है पूरी क्वालिटी युग के अनुसार होगी सतयुग में होगी तो आठवां होगा तो आठवें जन्म में उसकी पूरी क्वालिटी दिखाई चढ़ेगी ऐसे थोड़े ही कि आठवां जो पूर्वज है उसकी क्वालिटी सतयुग के पहले जन्म में दिखाई पड़ जाएगी लेकिन रहती तो है रहती है ना व्यक्त रूप में नहीं रहती है मर्ज रूप में रहती है हाँ जी हाँ भाषा जो बनते हैं वही होते हैं क्या वो बादशाह नहीं बनेंगे वो सम्राट नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा और बाबा ये भक्ति में दक्ष प्रजापिता और जो उनकी पुत्री सती का जो गायन है वो वेद में उनका क्या वेद में यही दसों धर्मों के दस बीज है हर धर्म का अपना अपना प्रजापिता है तो सती का जो गायन हाँ जी वो पहले नंबर का है यज्ञ की आदि की बात है और धर्म पिताओं से पहले तो इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा होगी ना और धर्म पिताओं से पहले तो इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा होगी ना पहले सूर्य वंश फिर चंद्रवंश उसके बाद इस्लाम धर्म ही होगा ना फिर हाँ पहले कौन मरेंगे पहले तो ये इस्लामी मरेंगे ना दूसरे धर्म वाले पहले कैसे मर जाएंगे इस दुनिया में भी जब दुनिया विस्तार को पाना शुरू हुई तो पहले पहले जन्म किसने लिया दूसरे धर्म वालों में बीच इस्लामियों ने तो जिन्होंने पहले जन्म लिया है वो ही पहले मरेंगे तो कुछ हद में मरेंगे कुछ किया कुछ हद में हद में तो मरते ही रहते हैं बाहर की दुनिया वाले तो मरेंगे बाहर की दुनिया वाले मरेंगे बाहर की दुनिया वालों की यहाँ कहाँ बात हो रही है हाँ 2006 में बोला कि 3.5 साल बचे हैं 2006 में बोला था 3.5 साल बचे पढ़ाई के 3.5 साल ऐसा कहीं नहीं बोला कई कई माने जिसने कई कई धारण किए हो जिसने एक धारण किया है उसको कई कई कैसे कहेंगे पति के प्रति दुर्बुद्धि किसकी बनती है कि भल पति मरता हो तो मर जाए ये दुर्बुद्धि विदेशी पत्नी की होगी या स्वदेशी की होगी विदेशी है वो तो कई कई किए हैं कई कई पर बुद्धि लगी हुई है तो कई कई नाम रख दिया बाबा हाँ अपने बारे में बताते हैं कि शंकर की जो शिवलिंग रहता है उसको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए शिवलिंग जो रहता है उसको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए और काली देवी की मूर्ति नहीं रखना चाहिए क्या घरों में शिवलिंग के शिव की शिवलिंग नहीं रखना चाहिए उन्हें काली देवी की मूर्ति रखना चाहिए तुलसी में जो शिवलिंग रखते हैं वो शंकर की मूर्ति नहीं रखते वो तो भक्ति मार्ग की बातें हैं भक्ति मार्ग में गुरु लोग सिखलाते हैं कि शिव की पूजा शिवलिंग की पूजा नहीं करनी है लेकिन बाबा क्या कहते हैं शिवलिंग की पूजा करनी है या नहीं करनी है
करनी है, शिवलिंग की तो पूजा खूब करनी चाहिए, सबसे जास्ती उसी की पूजा है। रखने का मना करते हैं, तुलसी भी रख के पूजन करो, मतलब इसका बेहन में क्या है? जिसे घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, घर के अंदर तुलसी वो रखते नहीं है, तुलसी तो आंगन में रहती बाहर। हाँ तो रखते है तो घर में ही, आंगन आंगन का मतलब है कि दासी का पार्ट बजाया है, इसलिए बाहर चौखट के बाहर बैठो दासी। उसमें शिवलिंग रखते हैं, शंकर की मूर्ति नहीं रख सकते, शंकर की मूर्ति नहीं रख सकते। हाँ वो निराकार को याद करने वाली, तो जो निराकार को याद करने वाली है उसको निराकार ही रखना चाहिए या साकार रखना चाहिए? घर के अंदर रखी जाती है आंगन में, घर के अंदर नहीं रखना, तुलसी के अंदर रखना, ऐसे कहते हैं। तुलसी घर के अंदर ही रखी जाती है, काली तुलसी नहीं रखी जाती घर के अंदर, रखी भी जाएगी तो पनपेगी नहीं, जिंदा नहीं रहेगी। और हिंदुस्तान के झंडे में हरा लाल और सफेद रंग है, पर पाकिस्तान के झंडे में चांद सितारे के चांद है ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की गोद में मुसलमान खूब पले हैं, इसलिए वो चंद्रमा को मानते हैं, तो चंद्रमा उन्होंने अपने झंडे में दिखाया है, हैं? एक सितारा दिखाया है तो सितारा है कुमार का दादी। और ब्रह्मा बाबा को कृष्ण वाली सोल भी कहा, माता पाठ भी बताया, कृष्ण वाली सोल भी कहा, माता पाठ। हाँ ब्रह्मा बाबा कृष्ण की सोल तो है, और माता पाठ भी ब्रह्मा बाबा का ही। हाँ हाँ तो जो विष्णु चतुर्भुज उसमें त्रिमूर्ति में दिखाते हैं ना विष्णु, तो विष्णु हाथ में कमल है और सुदर्शन चक्र है, शंख है, सारे जी तो माताओं के पाठ, माताओं के पाठ माताओं के सारे अलंकार कहाँ हैं? विष्णु पुरुष है या माता है? पुरुष है तो जो पुरुष के संस्कार धारण करेंगे तब ही बनेंगे, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, ब्रह्मा को थोड़े ही विष्णु कहेंगे, ब्रह्मा जब संपन्न बने तब ही तो विष्णु बने, वो अलंकार संपन्न स्टेज के है, ब्रह्मा की स्टेज के अलंकार नहीं है, ब्राह्मणों के भी अलंकार नहीं है, ब्राह्मणों को अलंकार बार बार गिर जाते हैं इसलिए नहीं दिखा सकते। बाबा श्रीनाथ में 56 प्रकार के भोग बनाते हैं, श्रीनाथ में 56 प्रकार के भोग बनाते हैं, वो माउंट आबू के आते हैं, लेकिन श्रीनाथ में कृष्ण की पूजा होती है, वो तो संगम युग कृष्ण की पूजा होती है ना? ठीक है, फिर वो माउंट आबू के कैसे आते हैं? कृष्ण वाली सोल प्रवेश नहीं करती है संगम युग कृष्ण में। बाबा हाँ तो बाहरी तो सब और काली साथ साथ भी आएंगे हैं? साथ हो गई है, कौन काले रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? साथ और काली दोनों साथ साथ हो गए तो रख सकते हैं या नहीं रख सकते? और साथ साथ हो गएंगे ही नहीं, तुम साथ साथ हो गएंगे वो फिर भी अलग अलग हो जाएंगे, वो जंगल में रहेगी जाके पनपेगी, वो घर ग्रस्त में भी पनपेगी। उन्हीं का जो क्वेश्चन है उसमें मुझे वो आया, जैसे घर के अंदर सारे भगवानों को रखते हैं ना, पूजा करते हैं, लेकिन शिवलिंग नहीं रखते अंदर। हाँ हाँ शिवलिंग इसीलिए नहीं रखते कि शिवलिंग तो सबसे बड़ा बेहद का सन्यासी है, वो हद में कैसे रहेगा? हद में रहेगा तो उसको कोई ओढ़ सकेगा? कोई नहीं ओढ़ सकेगा, ब्रह्मा कुमारियों का हमला होगा, सारा घर परिवार उजाड़ देंगे, कहेंगे भैया नमस्कार, दूसरा रास्ता है आपको। बाबा जो एक मक्खी जमा होती जाएगी तो झुंड का झुंड जाएगा क्यों बाबा?
क्यों बाबा? एक मक्खी जहाँ जाएगी। हाँ, रानी जहाँ जाएगी तो रानी का परिवार भी वहाँ जाएगा। रानियों को फॉलो करने वाली है ना, वो सब संगठन मजबूत है ना, प्योरिटी की पावर से संगठन मजबूत बनता है। बाबा जो साकार साकार में मुरली है वही मुरली है, जो साकार में श्रीमत है वही श्रीमत है, बाकी मधुबन के सिवाय कहीं मिल नहीं सकती। हाँ, ठीक बात है। मधुबन के सिवाय बाहर से नहीं, बाहर इसलिए नहीं मिलते कि बाहर सेफ्टी नहीं है। पति पत्नी भी मिलन मेला मनाते हैं तो घर के अंदर मिलाते हैं या कहीं भी चौराहों और मनाने शुरू कर देंगे है? भाई सेफ्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? सेफ्टी भी चाहिए। और मुरली में ये भी बोला है कि मिलन मेला मनाने के लिए पर्दा चाहिए, पर्दे में मिलन मेला अच्छा होता है, सबके सामने उतना अच्छा नहीं होता है, देवान आ जाता है। और बाबा, हाँ, लक्ष्मी को छोटा मुकुट दिखाया गया है और नारायण को बड़ा, उन्होंने जिम्मेवारी ज्यादा उठाई है, सारे विश्व की जिम्मेवारी उठाई उन्होंने, सिर्फ भारतवासी कन्या माताओं की जिम्मेवारी उठाई। हाँ, हैं? मूर्ति के चित्र में लक्ष्मी को अधूरे कपड़े वस्त्र बताए और नारायण को पूरे से, त्रिमूर्ति के चित्र में लक्ष्मी को अधूरे वस्त्र बताए। त्रिमूर्ति के चित्र में लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में अधूरे नहीं, आधी बांह दिखाई है। क्या? आधी बांह दिखाई है इस, हैं? हाँ, तो आधी आधी बांह जो दिखाई है उसका मतलब है कि उनके जो संगी साथी है वो पूरे अर्धांगिनी नहीं बने हैं, अधूरे हैं सब। जब तक रुद्रमाला के साथ न मिले, जब तक एडवांस ज्ञान न ले, तब तक वो अधूरे हैं, भुजाएं आधी भुजाएं हैं, अभी संपन्न भुजाएं नहीं बनी है। और माताओं को ज्यादा बोलने की आदत क्यों होती है? बेहद में इसकी शूटिंग कैसे होती है? बेहद में सबसे बड़े से बड़ी माता कौन है? माताओं की भी माता जगदम्बा लंबी जीव का पार्ट बजाती है या नहीं है? महाकाली बनती है तो बड़ी लंबी जीव का पार्ट बजाती है। लंबी जीव का अर्थ क्या है? बहुत बोलने वाले। तो माताएं सब उसी को फॉलो करती हैं कलयुग में। अगर ज्यादा बोलती है माताएं तो किसको फॉलो करती है? जगदम्बा महाकाली को फॉलो करती है। ये कलयुग अंत की शूटिंग की बात है। सतयुग आदि में जब पहुंचेंगी तो बोलना बंद हो जाएगा। ज्ञान में तो बोलना पड़ता ना बाबा, हैं? ज्ञान सुनाने जाओ तो बोलना ही पड़ता है ना, जब क्या बैठेंगे तो कैसे होगा? ज्ञान सुना रहे हैं कि अभी अज्ञान सुना रहे हैं? संपन्न ज्ञान सुनाएगा उसका ज्यादा असर पड़ेगा कि असंपन्न स्टेज में हम ज्ञान सुनाते हैं उसका ज्यादा असर पड़ेगा? संपन्न बनते बनते सतयुग नहीं आ जाएगा। जब संपन्न स्टेज होगी तो हमें बोलने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। बाबा, मम्मा के बाल हमेशा खुले क्यों हैं? क्योंकि ज्ञान की जटाएं सुलझी हुई है। प्रश्न चित्त नहीं है, प्रसन्न चित्त है। बाबा मीठा खट्टा तीखा नमकीन इन सभी खानों में कौन सा अच्छा होता है? बाबा तो मीठा ही अच्छा बताते हैं। कड़वा नहीं लिखा,
बच्चों को अधिकृत है, बच्चों को अधिकृत क्यों आता है? अधिकृत बच्चों को क्रोध आता है? नहीं, सब तरह के बच्चे होते हैं, कोई हमेशा खेलते खिलाते रहते हैं, कोई क्रोधी भी होते हैं। अति होती है तो अंत हो जाता है, तो बाबा अति तो बहुत हो चुकी, अभी अंत क्यों नहीं होता? अभी अति नहीं हो गई है, अभी तो दुखों के पहाड़ गिरने हैं, तब अति होगी। है ब्रह्मा बाबू की चार बुदाई को दिखाते उसका वैरना है, ब्रह्मा बाबू की चार बुदाई को दिखाते उसका वैरना क्या है? ब्रह्मा बाबा की चार भुजाएं कहाँ दिखाते हैं? मुख दिखाते हैं, चार भुजाएं ज्ञान में, ज्ञान में भक्ति में, भक्ति में जो चार भुजाएं दिखाई है वो ब्रह्मा की चार भुजाओं का मतलब है, चार आत्माएं हैं ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली, राम सीता और लक्ष्मी नारायण, ये पुरुषार्थी जीवन में चार भुजाओं का पार्ट बजाती है, इसलिए ब्रह्मा के रूप में जो अधूरा पुरुषार्थ दिखाया गया है वो चार भुजाओं का दिखाया गया है। बाबा सरस्वती के हाथ में आधा त्रिशूल क्यों है? आधा त्रिशूल सरस्वती के हाथ में क्यों? आधा त्रिशूल, आधा त्रिशूल का क्या मतलब? तीन शूल नहीं होते, डेढ़ शूल होता है क्या? बाबा ऐसे रहता ना तो इधर का कटा हुआ रहता, बीच में इधर बना देता है। तो अभी कौन सी स्टेज है? अभी तीनों का ज्ञान उसमें सही है या कटा हुआ ज्ञान है? कटा हुआ ज्ञान है। बाबा जी तिरुपति बालाजी में जाते हैं तो सिर क्यों मुंडवाते हैं? हैं? भक्ति मार्ग में इसकी कैसे शूटिंग होती है? हैं? अरे हाँ, सारा देहभान अर्पण करना पड़ता है, उसको कहते हैं सिर मुड़ाना। हैं? वीणा इसीलिए दिखाते हैं कि उसमें जो तार होता है वो कैसा होता है, वीणा की जो झनकार होती है तार के द्वारा होती है ना, ऐसा तार दिखाया है उसमें, हैं? एक तार है, पतला तार होता है। हाँ पतला तो होता है, लेकिन कितने होते हैं? हैं? तीन तार होते हैं। तीन तार का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों का ज्ञान सरस्वती में समाया हुआ है, वो विद्या की देवी है। सास बहू का रिश्ता कड़वा क्यों होता है? कलयुग में कड़वा होता है, हरियुग में कड़वा थोड़ा ही होता है। जब युग ही कड़वा तो सास बहू का रिश्ता भी कड़वा। बांधेली माताएं उनके युगल ज्ञान में नहीं चलते तो युगल को भट्टी करने की परमिशन नहीं देते, तो उनकी भट्टी कैसे होगी? बाबा युक्ति बताएं।
यज्ञ के आदि में माताएं जिनकी बहुत बंधन की शूटिंग हो रही थी वो छूटेली बनी या नहीं बनी? हैं? बन गई। तो उस समय जो छूटेली बनी वो लास्ट सो फास्ट चली गई या नहीं चली गई? हैं? चली गई, क्योंकि सहज सहज काम हुआ। खींचतान से जो काम होता है उसे खून कहते हैं। सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, और खींच खींच के लड़ाई झगड़े से ले लिया वो खून बराबर। तो इसलिए धीरज धारण करना चाहिए। परमिशन नहीं मिलती है तो कोई हर्जा नहीं। पुरुषार्थ तो बंद न करो। अमृत वेला का पुरुषार्थ तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो अमृत वेला का पुरुषार्थ करते करते तीव्र गति से आगे निकल जाएंगे, और कोई न कोई ऐसा करिश्मा हो जाएगा सन 47 की तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई भी भले हो जाए तो क्या होगा? सब बांधेली माताएं कन्याएं छूटेली बन जाएंगी। बारह है शंकर के गले में रुद्राक्ष की माला है, उसमें बेहद का रुद्राक्ष की माला का मतलब होता है रुद्र अक्ष, रुद्र की आंख। भगवान को रुद्र कहा जाता है। भगवान को कितनी आंखें होती हैं? अनेक आंखें होती हैं। तो रुद्राक्ष का जो मणका होता है उसमें भी अनेक आंखें, आंखें कहो या मुख कहो, एक एक मुख के बीच में अनेक अनेक आंखें भी दिखाई जाती हैं। कहते भगवान को हजार आंखें हैं, उन हजार आंखों से भगवान देखता है। तो इस समय जो भगवान है, भगवान का पार्ट है, वो हजार आंखों से देख रहा है। कोई न कोई आंख कोई न कोई बात देख लेती है और भगवान तक पहुंचा देती है। आंख का काम क्या है? आंख से देखना और आत्मा को वो बात पहुंचा देना। तो ये रुद्राक्ष के मणके भी ऐसे ही काम करते हैं। ये आंखें हैं भगवान की। बाबा रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? रुद्र की अक्ष, रुद्र अक्ष माने रुद्र की आंखें हैं। रुद्राक्ष की आंखें जो पहनेंगे तो जन्म जन्मांतर वो रुद्राक्ष की आत्माएं साथ ही बन करके रहेंगी। जिनका रुद्राक्ष जैसी आत्माएं साथ ही बन करके रहेंगी तो पावरफुल आत्माएं साथी हुई या कमजोर आत्माएं साथी हुई? पावरफुल आत्माएं साथी होंगी। तो कठिनाई नहीं आती है जीवन में। पहन सकते हैं बाबा रुद्राक्ष? पहनो। जड़ पहनेंगे कि चैतन्य पहनेंगे? कौन सी पहनेंगे रुद्राक्ष? वो तो बुद्धि से ही पहनी जा सकती है। बाबा त्रेता के अंत में अर्ध विनाश होता है तो जनसंख्या कितनी बचती है? आधे मरेंगे तो आधा विनाश हुआ। 10 करोड़ ऐसी है। जब पूरे मर जाए तो पूरा विनाश हुआ। अरे आधा विनाश होता है या पूरा विनाश होता है? आधा विनाश होता है। हाँ जी, मन और दिल एक ही चीज है या अलग अलग है? भक्ति मार्ग में कहते हैं हमेशा दिल की सुनो। दिल सो मन, अलग अलग बातें नहीं है। है मार्ग में काली के चित्र में काली संकल्प के ऊपर पावर रख के खड़ी होती है, उसका वैध अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि उसका जो अपना पति है काली का, उसकी भी बेइज्जती कर देती है अपनी धुन में आकर के। बाबा भक्ति मार्ग में त्रिवेणी जो लगाते हैं बर्ड नीम और पीपल है, भक्ति मार्ग में पूजा होती है बर्ड नीम और पीपल की है, जिसमें नीम का बीज बड़ा होता है
और पीपल और बर्ड का जो बीज होता है वो पक्षी की बीट के द्वारा उत्पन्न होता है। हाँ, क्यों होता है? काय के बीज के द्वारा? जो पक्षी बर्ड या पीपल का जो फल होता है उसको खाता है। हाँ, उसके बाद जो बीट करता है वो दीवार पर। बीज होता है अति सूक्ष्म, जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी कड़ी होती है, इसलिए वो बीज को पचा नहीं पाता। वो बीज जो का त्यों बाहर फेंक देता है, उससे वृक्ष पैदा हो जाता है। बाबा, यहाँ जो जितना नजदीक होंगे बाप के, क्या वो वहाँ पर भी उतने ही नजदीक रहेंगे? बिल्कुल। लेकिन जैसे जो पांचेली माता है, जो दिल से नजदीक है कि दूर है? दिल से नजदीक है, सुदल से नजदीक है, इंद्रियों से तो नजदीक है। क्या इंद्रियों से कंधों पर चढ़े हुए हैं, लेकिन मन बुद्धि घर में भाग रहा है, तो दूर है या नजदीक है? तो दूर हो गए। ये गाने जो है, गाने जो बनते हैं वो भले ही संपूर्ण नहीं रहता चंद्रमा, फिर भी चांद पे ज्यादा गाने बनते हैं। चांद को ही खूबसूरत बोलते हैं, सूरज पे नहीं बनते ऐसा। सूरज जला देगा ना, जबकि सूरज पावरफुल है, उस पे ज्यादा बनने। तो पावरफुल को पचाने की भी ताकत होनी चाहिए ना। पचाने की ताकत कहाँ है? चांद तो शीतल है। बाबा है, मार्ग में कहते हैं कि पीपल के पेड़ में 36 करोड़ देवी देवता का वास होता है। 36 नहीं होते हैं, 33 करोड़ है। कहते इसको निकालते हैं। पीपल का पत्ता जो है या पीपल का पेड़ जो है वो जगदम्बा का सूचक है। जगदम्बा कामधेनु गऊ की सूचक है। उस गऊ में 33 करोड़ देवताएं वास करते हैं, इसलिए पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता और नीम का पत्ता ये त्रिदेव हैं। बाबा, हाँ जी। ज्ञान के कलश माताओं बहनों का है दीन जाते हैं, कुछ तो पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है और माताएं कन्याएं सब दुर्योधन दुशासन की स्टेज वाली नहीं है, माना सूपन खा पूतना की स्टेज वाली नहीं है। ज्यादातर पवित्रता को धारण करने वाली है, उनमें पवित्रता के प्रति लज्जा का भाव रहता है। लक्ष्मी नारायण के बुद्ध रूपी पांव दबाती है, स्थूल पांव दबाने की बात नहीं है। ओम शांति।